हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बड़ा ही कंसर्न है भैया लोगों को पठान से। कितना रिकॉर्ड बनेगा, कब बनेगा, कब टूटेगा? KGF का रिकॉर्ड, RRR का रिकॉर्ड तो टूट गया। RRR ने कुछ बनाए थे 277 हिंदी वर्जन के अंदर, ऑफकोर्स अदरवाइज तो वो 1250 करोड़ रुपये के आसपास कमाई। KGF 2 ने कमाया था 435 करोड़, और 512 करोड़ उसको क्रॉस में कह सकते हैं। तो day 9 तक क्या कलेक्शन हुई, day 10 में क्या कलेक्शन होगी, day 10 आज है विच इज़ अ फ्राइडे, तो अभी तक हम कितना कलेक्ट कर लेंगे, सैटरडे संडे में और कितना कलेक्शन होगा, और ये रिकॉर्ड जो है KGF का बनाया हुआ ये कब टूटेगा, तो उसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मैथ्स करते हैं। ठीक है जी, साइंस से मैथ्स। वाओ, तो पठान का day 9 का जो कलेक्शन था वो था 363, यानी कि 363 करोड़। हाँ, यही होता है हिंदी में। पठान का जो day 10 है वो करीबन है 17 करोड़ का आज, जो लगभग होने वाला है। तो फ्राइडे की जो टोटल कलेक्शन होगी वो होगी 380 करोड़, जो कि इंडिया की कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 700 करोड़ के आसपास टच कर जाएगी आज। सैटरडे संडे की जो एडवांस बुकिंग है, जो आप साइट्स वगैरह पे जाके भी देख सकते हो, करीबन 5-5 करोड़ की है। और जब 5-5 करोड़ रुपए की बुकिंग होती है सैटरडे संडे वाले दिन, तो वॉक इन बहुत होते हैं, तो मेरी समझ के हिसाब से पहले दिन आएगा 25 करोड़, संडे को फिर और पिकअप होता तो वो आएगा करीबन 30 करोड़ रुपये, जो बनता है लगभग 55 करोड़ रुपये। तो अगर 55 करोड़ रुपये और फ्राइडे तक के 380 करोड़ रुपीज़ आप ऐड करते हैं, नेट में ऐड करते हैं, तो वो हो जाता है 435 करोड़। उसके बाद कुछ भी इज़ अ रिकॉर्ड ब्रोकन। ठीक है, तो इससे आपको क्लैरिटी आ गई, संडे रात को मैक्सिमम मंडे मॉर्निंग ये रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद कोई और रिकॉर्ड बनाएगा, पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा इंडियन मूवीज़ का। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड।